हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बहुत प्यारी सी मॉर्निंग आजकल आप लोगों की हो रही है। और याद रखिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बहुत लॉस है, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आज हम लोग कुल 44वीं सीरीज देखने जा रहे हैं। रोज 20 प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और अच्छे से दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को कवर करते चलिएगा, साथ में दोस्तों आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलिए। ठीक है, जिसके लिए हमारा चैनल है एग्ज़ाम ट्रेंड, उस पर जाकर के करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलिए। तो ये दो टॉपिक का तो आप डेली पढ़ लिया करिए, ठीक है, उसके बाद ही कोई काम किया करिए। पहला प्रश्न है, लौह अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लौह अंश किस में पाया जाता है खाने में? तो जो हरी सब्जियाँ होती हैं या जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, जो हरी सब्जियाँ होती हैं या पत्तेदार सब्जी जो होती है उसमें जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आपको पता होगा कि आयरन जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको पढ़ाया हूँ बायोलॉजी में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आयरन जो होता है वो उसका काम जो होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने से क्या होता है, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे लूज मोशन हो गया, जैसे ओमिटिंग हो गया, जैसे बुखार हो गया, जैसे सर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक, हमारा शरीर जब मजबूत रहेगा तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं ये सब हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो मजबूत करने के लिए आयरन बहुत ही मस्ट है। तो जो लोग आयरन खाने में नहीं लेते हैं जान लीजिए कि वो हमेशा बीमार रहते होंगे। ठीक है, तो बात आती है दोस्तों कि आयरन मिलेगा कहाँ से? जैसे पढ़ तो लिया, ठीक है चलो, लेकिन आयरन मिलना भी तो चाहिए। तो आयरन मिलता कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा आयरन आपको मिल सकता है दोस्तों चुकंदर से। शादी वगैरह में जाते हो तो चुकंदर आपको मिलता है, घर पे तो बहुत कम लोग खाते हैं चुकंदर। तो चुकंदर जो है आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो आयरन पाया जाता है, चुकंदर के अंदर जो आयरन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि जब हमारे ब्लड में मिलता है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर का लाल रक्त कणिका है वो सक्रिय हो जाते हैं। मतलब RBC जो है रेड ब्लड सेल्स वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो जिनको भी खून की कमी होती है या एनीमिया रोग की शिकायत होती है, एनीमिया मतलब खून की कमी, तो वो लोग जो है ज़्यादातर इस चीज़ को प्रीफर करते हैं चुकंदर को। इसके अलावा आप अच्छा पालक मिल सकता है आपको पालक की सब्ज़ी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है अगर पत्तेदार सब्ज़ियों में बताऊँ तो पालक में। पालक में दोस्तों आयरन के अलावा कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी मिलते हैं। बाकी अनार हो गया, ठीक है, अनार हो गया, मौसम्बी हो गया, तुलसी हो गया, अंडा हो गया, अंडे में भी पाया जाता है आयरन। ठीक है, रेड मीट हो गया, अमरूद हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आयरन पाया जाता है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों खाने में आयरन की मात्रा पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 56वां संविधान संशोधन के तहत किस केंद्र शासित राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य था, किस राज्य को दिया गया था? देखिए, 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। मैंने एक वीडियो बनाया है पॉलिटी में अमेंडमेंट के ऊपर, जहाँ से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट को मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक राज्य हमारा गोवा, ठीक है, गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा दमन और दीव जो हैं, ठीक है, वो भी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो शुरू में वो किस संविधान संशोधन से आए थे? तो 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था इसको। और इसी में बताया गया था कि जो गोवा होगी वहाँ जो विधानसभा के सदस्य होंगे 40 होंगे, और दमन दीव में कितने होंगे तो 30 होंगे। ठीक है, दमन दीव में कितने होंगे, 30 होंगे। चलिए आगे देखिए, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? उस रेडियो तत्व का नाम बताना आपको, तो वह रेडियो एक्टिव तत्व है। मैंने आपको पढ़ाया था जियोलॉजी में, एक बार मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जो सक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है, पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे देख लीजिए आप, रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा। आगे मैं आपको बताऊँगा जब हम लोग केमिस्ट्री कवर करेंगे। यहाँ देखिए, फिलहाल जो हमसे कवर क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो वो है थोरियम। थोरियम दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात आती है कि थोरियम की खोज किसने किया था, तो थोरियम की खोज हुई थी दोस्तों 1828 में, और इसकी खोज किए थे वर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? वर्जीलियस। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है, ठीक है, वर्जीलियस। थोरियम की खोज किसने किया था? वर्जीलियस ने किया था, ओके। और इन्होंने कहाँ पर खोजा था थोरियम? तो थोराइट के नाम से एक अयस्क था, उसमें से खोजा था, और इन्होंने नाम रख दिया था थोरियम। ठीक है, थोराइट। हालांकि बहुत सारे इसके अयस्क हैं, ठीक है, मोनाजाइट वगैरह है, लेकिन जो सबसे अच्छा मात्रा में थोरियम मिलता है
वो जो है कहाँ से मिलता है, तो आपको मोनाजाइट से मिलता है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि थोरियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, बहुत जगहों से मिलता है, बहुत सारे इसके अयस्क हैं, लेकिन मोनाजाइट से सबसे शुद्ध रूप में जो है पाया जाता है थोरियम। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहाँ से मिलता है, तो केरल राज्य जो है वो मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है, केरल, ठीक है, केरला आपका, ठीक है, सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा अगर हम विश्व की बात करेंगे तो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब जो है थोरियम। अच्छा, कुछ समय पहले दोस्तों अभी बिहार में भी थोरियम जो है पाया गया है, बिहार में, ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑड फील होगा लेकिन इसको भी याद रखिए, कुछ समय पहले खोज में बिहार भी सामने आया, वहाँ पर भी जो है थोरियम को देखा गया, ठीक है, तो ये अयस्क जो है मिला है। आगे देखिए, गुप्त काल के प्रशासन में सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन सी थी। तो वैसे तो अगर गुप्त शासन की बात कर लें तो गुप्त शासन में सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपको जानना है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए, इसका स्थापना कब माना जाता है, तो 320 ईस्वी से शुरू माना जाता है, ठीक है, और किसने किया था, तो माना जाता है कि श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त, ठीक है। हालांकि श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 240 से लेकर 280 के बीच में है, लेकिन जो मुख्य स्थापना माना जाता है वो 320 से माना जाता है। किसके समय से? चंद्रगुप्त प्रथम के समय से। और लेकिन जो मेन स्थापना किए थे वो कौन किए थे? श्रीगुप्त का नाम सामने आता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे अच्छे शासक इसमें हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं, इन लोगों का नाम याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ फोकस करिएगा कि भारत का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। और सबसे ज़्यादा सोने के जो सिक्के चलाए गए थे वो भी कब चलाए गए थे? इसी काल में चलाए गए थे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गए, समुद्रगुप्त हो गए जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, हैं, कुमारगुप्त हो गए जिन्होंने नालंदा की स्थापना किया, स्कंदगुप्त हो गए हूणों को पराजित करने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हैं, तो आप गुप्तकाल का वीडियो देखे होंगे और आपको चीज़ें पता होंगी। आगे देखिए, त्रिमूर्ति भवन दिल्ली किस महापुरुष से संबंध स्थान रखता है? त्रिमूर्ति भवन, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे त्रिमूर्ति भवन के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, त्रिमूर्ति भवन जो था ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था, ठीक है। किसका आवास था? जवाहरलाल नेहरू का आवास था। हालांकि उनके मृत्यु के बाद जो है इस आवास को स्मृति भवन के रूप में बदल दिया गया और उसको एक म्यूजियम बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया, ठीक है। तो आज भी वहाँ जाने पर आपको नेहरू जी की बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। शाम को यहाँ प्रोग्राम भी होता है, एक लाइट एंड शो चलता है, कार्यक्रम चलता है, ठीक है, तो वो दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक आपको मिलेगा तारामंडल, ठीक है, दिल्ली का जो तारामंडल है वो भी इसी ग्राउंड में स्थित है, त्रिमूर्ति भवन वाले ग्राउंड में ही स्थित है तारामंडल। तो अगर आप दिल्ली जाइए कभी तो त्रिमूर्ति भवन जरूर जाइए, वहाँ आपको तारामंडल मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस भवन को देख सकते हैं। अच्छा, ये भवन जो था ये भारत सरकार के जब अधीन में नहीं था तो उसके पहले यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो भारत में जब अंग्रेज थे उस टाइम का बता रहा हूँ आपको, जब अंग्रेज थे भारत में तो उस समय जो है अंग्रेज़ों का ये एक हाउस हुआ करता था, ठीक है। उसका नाम एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, देखता हूँ आपको नाम पता होगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, इसको फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से जानते थे। किसके नाम से? फ्लैग स्टाफ हाउस, ठीक है, फ्लैग स्टाफ हाउस, ओके। आपको ये बताना फ्लैग स्टाफ हाउस में अंग्रेज़ों का कौन सा अधिकारी रहा करता था, कोशिश करिएगा, देखते हैं। यूक्रेन के किस क्षेत्र को रोटी की डलिया कहा जाता है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोटी का डलिया जो है यूक्रेन के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो रोटी का डलिया, देखिए यूक्रेन में क्या है, स्टेपी के मैदान फैले हुए हैं, ठीक है। तो स्टेपी का जो क्षेत्र, स्टेपी क्या है, यहाँ घास के मैदान है, ठीक है, उसको जो रोटी का डलिया कहा जाता है, ठीक है। तो जो स्टेपी के क्षेत्र फैले हुए हैं घास के मैदान, उनको रोटी का डलिया कहा जाता है। आगे देखिए, 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? जर्मनी में किसने 1920 से आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है, समाप्त होने के कगार पर है, तो उस समय जो है किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया? तो जब भी जर्मनी का नाम सामने आता तो सबसे महान व्यक्ति का नाम आता है हिटलर, ठीक है। अब उसको महान कहिए, कमज़ोर कहिए, जो भी कहिए, पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध राजनेता था और सबसे बड़ा तानाशाह था। और इसकी एक पार्टी थी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से जानते थे। किसको बोलते थे? नाजी पार्टी के नाम से जानते थे, ठीक है, नाजी पार्टी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो हिटलर था वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार रहा है। 1933 से लेकर 1945 तक वो शासक रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? तो हिटलर है,
क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब इसने अपने नाजी सेना को पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। बाद में जो है फ्रांस और ब्रिटेन ने भी पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया और वादे देने के अनुसार जो है दोनों को सामने आना पड़ा और जर्मनी से फ्रांस ब्रिटेन और पोलैंड इन तीनों को आके भिड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें बड़ा इसका रोल था। किसका? हिटलर का। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन, ये आपकी इकोनॉमिक से प्रश्न है। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है दोस्तों यूटीआई। क्या नाम है उसका? यूटीआई। ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। पूरा नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट, यूनियन मत बोल दीजिएगा, कभी एग्जाम में देता है कूट तो यूनियन लगा देता है, तो आप यूनियन मत लगाएगा, ये यूनिट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1963 में सबसे पहले इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है। बाद में 1964 में इसके नाम से सबसे बड़ी कंपनी बनाएगी। हालांकि बहुत जगह आप पढ़ोगे कि यूटीआई का जो स्थापना हुआ था वो 2003 में हुआ था, लेकिन याद रखिए जो यूटीआई था वो यूटीआई एमएफ था। वो क्या था आपका? यूटीआई एमएफ बोला जाता है उसको, उसकी स्थापना 2003 में हुई। कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको देगा अलग से एग्ज़ाम में, यूटीआई एमएफ बोलेगा, ठीक है, एमएफ, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई? एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है। तो ये 2003 में हुआ था और जो पुरानी वाली थी यूटीआई, ठीक है, उसको 1963 के तहत बनाया गया था और पहली बार 1964 में एक म्यूचुअल फंड जो है जारी हुआ था। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़िए, सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नाम के ग्रंथ लिखे हैं? सेन वंश के उस शासक का नाम बताना है आपको। तो मैंने आपको सब वंश पढ़ाया है, सेन वंश, मौखरी वंश, सब वंश पढ़ा है। तो वहाँ मैंने आप सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताया था दोस्तों, बल्लाल सेन। क्या नाम था? बल्लाल सेन, ठीक है, बल्लाल सेन। इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों 1158 से लेके 1179 तक, यही समय है। इसी समय के बाद जो बल्लाल सेन के ठीक बाद जो है गौरी का भारत पे आक्रमण हुआ था और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी। तो याद रखिए जो बल्लाल सेन था ये बंगाल का, सेन वंश जो चल रहा था दोस्तों ये बंगाल में चल रहा था। सेन वंश कहाँ से संबंध रखता है? बंगाल से, ठीक है। तो बंगाल का प्रमुख शासक था और उसने उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त किया था, साथ ही साथ जो मगध में पाल थे उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया था। पाल वंश का अंत कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद से वो विजय सेन, मतलब उसके बाद से ही जो बिहार का बहुत सारा हिस्सा बंगाल के अंडर में आ गया था। अच्छा, इसके कई सारे जो है इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे लघु भारत, बल्लाल चरितम, इसमें भी जो है इस समय का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कौन सा कि दान सागर और अद्भुत सागर, तो ये ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। विशेषकर जो शैव ये लोग किस उससे बिलोंग करते थे, मत से बिलोंग करते, तो शैव धर्म से बिलोंग करते, शैव मतावलंबी थे। ओके, आगे देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसका प्रसिद्ध गीत है? तो कई बार आपके सामने ये प्रश्न आ चुका है, विजयी विश्व। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें दोस्तों सेन वंश के बारे में, बल्लाल सेन ने एक मंदिर बनाया था जिसके बारे में कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है, तो ढाकेश्वरी मंदिर, ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आया है, ढाकेश्वरी मंदिर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बल्लाल सेन का अगला जो उत्तराधिकारी है वो कौन है आपका? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के यहाँ कौन रहते थे? जयदेव रहते थे, जिसने गीत गोविंद की रचना किया है, ठीक है। लक्ष्मण सेन के यहाँ गीत गोविंद की रचना हुई है। ओके, लक्ष्मण सेन के यहाँ पंचरत्न रहते थे, जिस तरह से नवरत्न अकबर के यहाँ रहते थे उसी तरह लक्ष्मण सेन के यहाँ कौन रहते थे? पंचरत्न। ओके, चलिए आगे देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये जो प्रसिद्ध गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानते होंगे, श्याम लाल गुप्ता पार्षद, ठीक है, श्याम लाल गुप्त पार्षद, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जो थे ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ पत्रकार थे और पेशे से एक अध्यापक थे, ठीक है। तो इनका, इनके द्वारा तैयार किया गया गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, ये इनके द्वारा तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो जो सबसे मुख्य तत्व है हड्डियों का निर्माण करने के लिए वो आपका क्या है? कैल्शियम है। सबसे जरूरी चीज़ क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम के माध्यम से ही क्या होगा, दांतों का जो, चाहे हड्डी हो चाहे दांत हो, उसमें जो मेन है वो आपका कैल्शियम है। इसके बाद आप हड्डियों के मामले में फास्फोरस को ले सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा दोस्तों, अगर दांत की बात आई गई तो दांतों के बारे में आपको बता दूँ कि दांतों की जो बनावट होती है इसमें कुल तीन लेयर माना जाता है। एक दांत को अगर मैं ऐसे मान लूँ, ठीक है, कि अगर मैं मान लूँ कि चलिए आपका दांत है, तो इसमें कुल तीन लेयर माना जाता है। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है दोस्तों इसको डेंटिन बोला जाता है, सॉरी इनेमल बोला जाता है। सबसे ऊपर का जो कठोर हिस्सा होता है
उसको इनेमल बोला जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि हीरा से भी कठोर होता है, ठीक है, इनेमल तो याद रखिए। उसके अंदर का हिस्सा डेंटिन कहा जाता है, उसके अंदर का हिस्सा क्या कहा जाता है, सबसे ऊपर इनेमल, उसके बाद डेंटिन, उसके बाद बोनी लेयर होता है जो सबसे अंदर का परत होता है नीचे, और उसके अंदर जो है दांत खाली होता है, खोखला होता है, उस खोखले में जो भरा होता है मतलब पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं पल्प, पल्प कैविटी, क्या बोलते हैं, कैविटी, पल्प कैविटी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दांत वाले टॉपिक मैंने बताया है। और आजकल दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में 3D डायग्राम को कवर कर रहे हैं, तो पढ़ के मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग यार कमेंट करके बताते भी नहीं कि सर आपको कैसा लग रहा है, कि बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। ऐसे क्या होता है कि इमेज बना के मैं आपको पढ़ाता तो उतने अच्छे तरीके से नहीं पता पाता। ऐसे क्या है कि 3D इमेज में क्या है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होगा ऐसा मैं जानता हूँ, लेकिन ये 3D इमेज भाई उसी को समझ में आएगा जो बायोलॉजी का वीडियो देखा होगा। तो जब आप बायोलॉजी को पढ़े होंगे पहले से तो 3D इमेज में आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 3D इमेज आपको कैसा लगता है इसमें पढ़ना। अगला है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पता होगा आप लोगों की भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, एकल नागरिकता। अब यार आप पढ़ते हो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आप आधार कार्ड हो या आपका निर्वाचन कार्ड हो, भारत के लिए अलग हो, उत्तर प्रदेश के लिए अलग हो, बिहार के लिए अलग हो, मतलब कि राज्यों के लिए अलग हो और भारत के लिए अलग हो, ऐसा तो सुना है क्या? कभी नहीं। यानी एक ही आधार कार्ड से, एक ही निर्वाचन कार्ड से हम भारत के नागरिक ये भी डिसाइड होता है और हम उत्तर प्रदेश या बिहार के नागरिक हैं ये भी डिसाइड होता है। तो वहाँ पे क्या है, नागरिकता जो है एकल है। इसी की जगह अगर मैं बात कर दूँ अमेरिका वगैरह की, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, मतलब आपके पास दो कार्ड होगा, एक तो ये सिद्ध करेगा कि आप अमेरिका के नागरिक हो और दूसरा कार्ड ये बताएगा कि आप जो है कनाडा में हो या मैक्सिको के हो या संयुक्त राज्य अमेरिका को कहाँ के हो, तो दोहरी नागरिकता वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का कांसेप्ट भारत ने इंग्लैंड से लिया था, कहाँ से लिया था, इंग्लैंड से लिया था। और जो हमारा संविधान है दोस्तों, उस संविधान में किस किस अनुच्छेद में जो है इसके बारे में बताया गया, आपको पता है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो हमारे संविधान में किसके बारे में बताता है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नागरिकता के लिए एक अलग से अधिनियम भी आया था, नागरिकता अधिनियम, ठीक है, 1955 में आया था। हालांकि कुल इसका 4 बार अमेंडमेंट किया गया, एक बार 86 में हुआ था अमेंडमेंट, ठीक है, उसके बाद जो है 1992 में अमेंडमेंट हुआ, फिर सन 2000 में हुआ, फिर सन 2004 में हुआ, तो 4 बार इसका अमेंडमेंट भी हो चुका है। तो बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं और जब आपको पढ़ाऊँगा तो डिटेल में इसको कवर करूँगा मैं। आगे देखिए, जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिस, टॉक्सिस माने होता है दोस्तों जहर, जहरीला पदार्थ, टॉक्सिस, टॉक्सिन बोल रहा है, को शरीर से बाहर करने का कार्य कौन करता है? तो ये काम करता है किडनी। आज ही मैंने किडनी में वीडियो बनाया, किडनी का 3D डायग्राम का वीडियो बनाया, आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा आपको देख के। तो यहाँ पूछ रहा है कि देखिए, कभी भी कोई आदमी अगर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लें, आदमी होता है ना, आदमी अपसेट होकर गर्लफ्रेंड के चक्कर में या किसी चक्कर में आके परेशान होकर उलझ कर क्या करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, कुछ जहरीला पदार्थ खा लेता है। तो कोई भी अगर आपके पास आसपास जो है जहरीला पदार्थ खाए, तो उसको बचाने का एक सबसे आसान रास्ता ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल की मात्रा उसको दी जाए। देखिए, शरीर में जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो जो टॉक्सिन का लेवल होगा उसको डाउन करेगा, ठीक है, टॉक्सिन का लेवल क्या होगा, डाउन करेगा। और जितना जल वो पिएगा, उसके बाद जितना बाथरूम करेगा, जितना ज़्यादा उसको ओमिटिंग हो जाएगी, उसके जहर का मात्रा उतना कम होता चला जाएगा। दूसरा, हमारा जो किडनी होता है वो क्या करता है, फ़िल्टर करके ज़्यादा से ज़्यादा जहरीले पदार्थ को बाहर करने का काम करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जैसे अमोनिया हो गया हमारे शरीर के अंदर या यूरिक एसिड वगैरह, तो जो भी खतरनाक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर करने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। अगला है, धोई किसका दरबारी कविता, धोई, तो मैंने भी जो इसका नाम पढ़ा धोई, हमने कहा ये कौन आ गया धोई, तो बाद में मैंने देखा इसके बारे में, मैंने पढ़ना चाहा, फिर मैंने ढूंढा इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि धोई एक्चुअली में कुछ नहीं है। धोई जिसका नाम था, उसका नाम था श्रीधर, क्या नाम था, श्रीधर की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि श्रीधर किसका दरबारी कवि था, तो लक्ष्मण सेन। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि बल्लाल सेन के बाद जो अगला शासक आया वो लक्ष्मण सेन आया, ठीक है, लक्ष्मण सेन के यहाँ जो उसका दरबारी कवि था वो श्रीधर था। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि राज दरबार में उसके यहाँ कौन रहते थे, गीत गोविंद लेखक के लेखक रहते हैं जिनका नाम था जयदेव, क्या नाम था, जयदेव, ठीक है। इसके अलावा एक ब्राह्मण सर्वस ग्रंथ है, उसके लेखक हैं हलायुध, क्या नाम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा है, हलायुध, बड़ा डीप क्वेश्चन आजकल पुट करता है हलायुध। इन्होंने क्या लिखा है, ब्रह्मांड सर्वस्व,
एवं पवन दुपत एक और लेखक थे जिनका नाम था दोस्तों धोई। धोई भी इन्हीं के दरबार में थे। देखिए अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे धोई हैं, जयदेव हैं, जलायुध हैं, गोवर्धन हैं, ठीक है, और आपके जयदेव तो मैंने बताई दिया, श्रीधर हैं, तो ये सब अलग अलग व्यक्ति हैं। तो धोई जब मैंने सर्च किया नेट पे तो कहीं नहीं मिला मुझे धोई, लेकिन जब मैंने अपना बुक उठाकर खंगाला उसमें, तो उसमें पता चला कि श्रीधर के साथ साथ ये भी जो हैं ये सारे के सारे दरबारी कवि हैं। तो धोई भी हैं। धोई की सबसे प्रमुख कृति है, जो रचना है, वो है पवन दूतम। कौन सी किताब इन्होंने लिखा है? पवन दूतम। धोई की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? पवन दूतम। चलिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये किस्सा कथन है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, और ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई। आगे, अखबारी कागज़ के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है? अखबारी कागज में तो कनाडा जो है दोस्तों ये सबसे ऊपरी स्थान रखता है, कनाडा। हालांकि अगर भारत की बात करूं तो भारत में बहुत सारे जगह पे अखबारी कागज़ बनाया जाता है। फिलहाल जो नेपानगर है मध्य प्रदेश का, वो सबसे फेमस है अखबारी कागज़ के लिए, ठीक है, नेपानगर, ठीक है। नेपानगर में दोस्तों सबसे पहली कंपनी भी बनी थी नेपानगर में, नेपानगर लिमिटेड जो थी वो भारत की पहली अखबारी कागज़ का कारखाना था, कंपनी था, ठीक है। तो ये बना था स्टार्टिंग में तो एक प्राइवेट संस्था के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है, 1947 में। 49 में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इसका कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले लेती है, और 1959 में जाके ये केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है और भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम बन जाता है। ओके, आगे देखिए, पंजाब के जालंधर जिले के किस गाँव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स, तो इस गाँव का नाम है दोस्तों संसारपुर। क्या नाम है? संसारपुर, ठीक है। संसारपुर जो है ये जालंधर के पास पड़ता है पंजाब में, और यहाँ पे बहुत सारे हॉकी प्लेयर यहाँ से निकले, बहुत सारे हॉकी प्लेयर निकले हैं। दुनिया के जितने भी सबसे अच्छे अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं, या भारत से जो लोग भी ओलंपिक वगैरह जीते हैं, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स जीते हैं हॉकी के क्षेत्र में, वो ज़्यादातर लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो संसारपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आज भी कनाडा से और बाहर से बहुत सारे लोग जो है भारत की तरफ आते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी कहाँ रहते हैं? पंजाब वाले लोग कनाडा में रहते हैं, और कनाडा में भी कई सारे इसके जो है रहे हैं खेल खेलने वाले, ठीक है। तो वो लोग संसारपुर आते हैं। संसारपुर को कहा जाता है? इसको बोला जाता है नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स। आगे देखिए, UTI की स्थापना कब की गई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1963 में एक एक्ट आया, और 64 में जो है पहली बार UTI जारी की गई। अगला है, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज़ अधिकारी को गोली चलाने का आदेश दिया था? किस अंग्रेज़ अधिकारी ने? तो जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, जनरल डायर, ठीक है। पूरा नाम था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, हालांकि इसको जनरल डायर बोलते थे, और इसने जो है सबसे पहले गोली चलाने का आदेश दिया था। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, इसके बाद है, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर एंड ट्वेन शैल बी मीट, ये जो कथन है ये किसका कथन है तो ये आपको बताना है। तो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश लेखक हैं, हालांकि जन्म इनका मुंबई में हुआ था, लेकिन लेखक क्या है, मूल रूप से भारतीय जरूर है लेकिन ब्रिटिश लेखक हैं। और इनको दो है दोस्तों सबसे पहले, बहुत सारी किताब इनकी, पहले मैं किताब के बारे में आपको बता दूं, इनकी सबसे पहली पुस्तक आई थी द जंगल बुक, ये आई थी 1894 में। कब आई थी? 1894 में, द जंगल बुक। उसके बाद दोस्तों किम करके एक बुक आई, साहस की कहानी था, किम 1901 में आया, और गंगा दीन, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी इनकी किताबें आई हैं। फिलहाल आपको बता दूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में वो ये है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो अंग्रेजी भाषा में मिला है वो सबसे पहला इनको मिला है। कब? 1907 में साहित्य का नोबेल अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है? तो रूडयार्ड किपलिंग को मिला है। ओके, रूडयार्ड किपलिंग को मिला है। तो इसी के साथ दोस्तों 20 प्रश्न हमारा कवर होता है, और अच्छा लगा होगा, आज का प्रश्न बड़ा अच्छा अच्छा था, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। चलिए इसी के साथ बताता हूँ आपको स्टडी 91 के बारे में। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए स्टडी 91 के बारे में, कि यहाँ सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल मुफ्त में आपको पढ़ाया जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको डीपली पढ़ना है वो सब्जेक्ट को आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए,
अलग अलग सब्जेक्ट, और वहाँ सीरियल वाइज वहाँ पे लगे हुए, चैप्टर वाइज आप आराम से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों, तो उस ऐड को ज़रूर देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। विनम्र निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप लोग हमारे छोटे भाई बहन जैसे हो, कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देखने का मौका मिल जाए तो प्लीज़ देखा करिए। प्लीज़ 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 मेरे भाई मेरे बहन, प्लीज़ अगर आप लोग मुझे मानते हो, थोड़ा भी प्यार करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो ऐड देखने की। प्लीज़ मैं 2-3 मिनट आपसे मांग रहा हूँ, आपके पूरे दिन भर का 2-3 मिनट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, साथ ही साथ आप ऑनलाइनर जीएस पढ़ना चाहते हो, या ये देखना चाहते हो कि वाकई में हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा टेस्ट पेपर सॉल्व करने की। तो टेस्ट पेपर के लिए अच्छे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन के लिए अच्छा चैनल होना चाहिए, तो उसके लिए एक चैनल हमारा है एग्ज़ाम ट्रेंड, तो इसको भी सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे आके पढ़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, टेस्ट को पढ़िए और सॉल्व करिए, और देखिए कि आप कितना अच्छा जो है काम कर ले जा रहे हो। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, एक बार अगर आप आ गए ना, चैलेंज कर रहा हूँ, आप चैनल छोड़ के जा नहीं पाओगे। जिस तरह से स्टडी 91 ने आपको क्या कर लिया, कैद कर लिया है, उसी तरह से 4G मैथ और एग्ज़ाम ट्रेंड भी आपको कैद कर लेंगे, ठीक है, लुभाने वाला लॉलीपॉप देते हैं भाई, ठीक है। इतना बढ़िया तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, एक बार पढ़ के देखो वाकई। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज चैप्टर यहाँ पढ़ाएगा दोस्तों, एक बार पढ़ोगे ना झूम जाओगे, खुश हो जाओगे, और पता जब आपकी अंतरात्मा गवाही देते कि वाकई सर मज़ा आ गया, वो आपके अंदर से निकलेगा, तो एक बार चैनल पे आप विजिट करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आखिरी बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।